बुलबुल ने दिलाई प्रिंसिपल को कड़ी सजा, कॉलेज की लड़कियों को किया कोर्ट में पेश। जी हाँ, कलर्स टीवी का वन ऑफ द पॉपुलर शो मेरा बालम थानेदार के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दूँ तो वीर बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं अपने परिवार और वर्णिका को लेकर, जिस वजह से वो प्रिंसिपल को सजा भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। सारे सबूत हाथों में होते हुए भी वीर कुछ नहीं करते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेबस नजर आ रहे हैं। आपको बता दूँ तो यहाँ पर बुलबुल चुप रहने वालों में से नहीं है। बुलबुल जरूर इंसाफ दिलाएगी उन सभी लड़कियों को जिन्हें प्रिंसिपल ने ब्लैकमेल करके परेशान कर रखा था। आपको बता दूँ तो बुलबुल पहुंच जाती है कॉलेज और सभी लड़कियों को कर लेती है कन्वेंस कोर्ट में गवाही देने के लिए, और उन्हें ये भी प्रॉमिस करती है कि उनकी पहचान किसी को भी पता नहीं चलेगी, उन्हें बस जाना है, गवाही देना है और चले आना है। वहीं दूसरी तरफ वीर कोर्ट में मौजूद होते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल को सजा सुनाई जाने वाली होती है। जैसे ही जज साहब कहते हैं कि इन्होंने मर्डर सेल्फ डिफेंस में आके करा है, तभी वहाँ हो जाती है बुलबुल की एंट्री और बुलबुल कहती है, 1 मिनट जज साहब, कोई भी फैसले पे आने से पहले पहले आप इनके खिलाफ जो मेरे पास सबूत हैं उन्हें देख लीजिए। और बुलबुल अपने गवाहों को एक एक कर कर कोर्ट में पेश कर देती है। सभी की गवाही को सुनने के बाद सच सामने आ जाता है और ये देखकर प्रिंसिपल के भी छूट जाते हैं पसीने और प्रिंसिपल भी घबराया हुआ नजर आता है। बुलबुल ने जो किया है वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन वीर यहाँ पर थोड़े टेंस नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि माँ का प्रॉमिस बुलबुल निभाएगी कि कोर्ट में वो नहीं आएगी, लेकिन बुलबुल कोर्ट में चली जाती है और प्रिंसिपल को तो अब हो जाएगी सजा। लेकिन घर पर जाने के बाद क्या बुलबुल के साथ माँ की हो जाएगी लड़ाई? वेल, देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी हमें बताएं आने वाले एपिसोड के लिए आप सभी कितने एक्साइटेड है, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।